व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक, इट्स मी देविका। सो आज के इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपसे ये वाओ का विटामिन फेस सीरम का रिव्यू। बहुत से मैंने रिव्यू देखे हैं जिसमें कुछ चीज़ें मैंने सुनी है जो मुझे लगा कि लाइक ट्रुथ जो है वो बाहर आना चाहिए इस सीरम का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यू। कुछ इस तरीके से इसकी बॉक्स की पैकेजिंग है, कार्डबोर्ड बॉक्स से यूजुअली हर सीरम की होती है। एंड यहाँ पर इसका प्राइस लिखा गया है जो कि है 699, 700 रुपीज़ है। 30 ml की क्वांटिटी आपको इसमें मिल जाती है, ठीक है। एंड इसके अंदर ना पैराबिन है, सिलिकॉन है, ठीक है। एंड या इसके अंदर आप विटामिन सी है, विच हेज़ल है, हाइलोनिक एसिड है जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है, ब्राइटन करती है हमारे कॉम्प्लेक्शन को। तो चलिए ओपन करके देख लेते हैं। इसके इस तरीके से कुछ पैकेजिंग है। ऑलरेडी यस मैंने इसे यूज़ किया है 1 मंथ, एंड या 1 मंथ के बाद यूज़ करने के बाद भी काफ़ी सीरम बच जाता है, ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बॉटल है, एंड ये जो बॉटल है ये ग्लास बॉटल है, तो हैंडल विथ केयर, ठीक है। लीकेज बिल्कुल भी नहीं होती है। एंड यू कैन सी मैंने काफ़ी क्वांटिटी यूज़ कर ली है। इस तरीके से इसको नोज़ल दिया गया है, पंप है, तो आपको इस तरीके से ये पंप मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरीके से, ज़्यादा रनी भी नहीं है, लाइट वेट है, बहुत ही फॉर्मूला। एंड इस तरीके से आपको मसाज करना है अपनी स्किन के ऊपर, फेस पर, जो कि मैं आगे फेस पर भी अप्लाई करके आपको बताऊंगी किस तरीके से अप्लाई करना है। आपको इसे क्लीन फेस के ऊपर अप्लाई करना है। एंड यह बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन के ऊपर। इसे मैंने यूज़ किया, मुझे तो कुछ भी जलन महसूस नहीं हुई, जो कि काफ़ी यूट्यूबर्स बोल रहे है कि स्किन पे अप्लाई करने के बाद उनको जलन, रेडनेस होने लगी, जबकि इसमें सिर्फ 20% विटामिन सी का दिया गया है क्वांटिटी। तो मुझे तो कोई रेडनेस, जलन फील नहीं हुई है, जबकि मेरी खुद की स्किन भी सेंसिटिव है। सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, ये हमारे फेस के लिए क्या करता है, आपको इस किस तरीके से यूज़ करना है। तो एक पंप लिया है मैंने अपने फेस के ऊपर दिखाने के लिए, मैंने फेस के ऊपर लिया है, नहीं तो आपको इसे अपने हाथों पर लेना है, रब करना है एंड देन पैक करना है अपने फेस के ऊपर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने जूम इन किया है आपको दिखाने के लिए कि ये कितने जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे स्किन पर। एंड अगर आपको कुछ पिंपल्स भी रहेंगे तो जो रेडनेस है ये अप्लाई करने से सीरम वो भी चला जाता है। मेक श्योर आपका फेस क्लीन हो, फेस वॉश कर ले आप, टोनिंग कर ले, देन आप सीरम को अप्लाई कर ले ये वाले, उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन को अप्लाई कर ले। तो आप देख सकते बहुत ही क्विकली आपकी स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। मुझे तो कोई जलन महसूस नहीं हुई है। एंड ये बहुत ही अच्छा सीरम है, अफोर्डेबल भी है, जबकि जो कि इसमें है विटामिन सी दिया है जो कि हमारे डेली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सच में ब्राइटन करता है हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को एंड डीप हाइड्रेट करता है, जो कोलेजन लेवल है उसको बूस्ट भी करता है एंड इम्प्रूव करता है हमारे स्किन को। अगर आप 30+ है तभी भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एंड यह बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप सीरम को अपने डेली स्किन केयर रूटीन में ज़रूर ऐड करें, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो ये ऐसा पहला सीरम है जो कि ऑयल फ्री है एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है तो आप डेफिनेटली ट्राई करिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, पैच टेस्ट आप ज़रूर करिएगा। परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, एंड या आपको नियर बाय केमिस्ट स्टोर पे आराम से ये मिल भी जाएगा। बहुत ही अच्छा सीरम है, एंड या रिकमेंड करूँगी, मस्ट बाय। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। और बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको वाओ के उप्टन फेस वॉश के साथ यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इसे यूज़ करती हूँ, इसके लिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ। इसके जो ब्रिसल है वो काफ़ी सॉफ्ट है, ब्रश के बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, डीपली क्लेंस करता है। सो या बहुत ही अच्छा सीरम है, डेफिनेटली यूज़ करें। एंड ये स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, होप हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो guys, bye bye।